आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है DHP न्यूज चैनल पर। तो आज है तारीख 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, साथ ही कुछ बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको खबरें विस्तार से बताई जाएंगी। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हिमाचल में 3 दिन ओलावृष्टि का अलर्ट, 4 अप्रैल से बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलेगा। 4 अप्रैल को मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश के आसार हैं, वहीं 5 से 7 अप्रैल तक मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और अंधड़ चलने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में 4 से 8 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5, 6 और 7 अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों में अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार सुबह से ही राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। हिमाचल में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत, 408 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। ऊना में 58 वर्षीय महिला, 51 वर्षीय बुजुर्ग और 65 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। IGMC शिमला में ऊना के 53 वर्षीय व कोटगढ़ की 85 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित महिला की मौत हो गई है। टांडा में कांगड़ा के जसवां की 72 वर्षीय महिला व ओल्ड रोड होशियारपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत हो गई। सोलन में भी कसौली के एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 408 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिला में 104, सोलन में 83, ऊना में 54, शिमला में 45, हमीरपुर में 42, मंडी में 23, चंबा में 21, बिलासपुर में 13, कुल्लू में 13, सिरमौर में 9 और किन्नौर में 1 नया मामला आया है। उधर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 5,758 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 4,444 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1,058 सैंपलों की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,838 पहुँच गया है। सक्रिय मामले अब 3,441 हो गए हैं। IGMC शिमला में पुलिस को चकमा देकर हत्या आरोपी विचाराधीन कैदी फरार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से हत्या मामले का विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आरोपी की पहचान गुरमिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी फतेहगढ़ जिला लुधियाना के तौर पर हुई है। बीमार होने के चलते शनिवार को सिरमौर पुलिस चेकअप के लिए IGMC लाई थी। देर शाम कैदी पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। वहीं अब शिमला पुलिस की मदद से सिरमौर पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। कुल्लू में वाहन एवं लाइसेंस से संबंधित प्रत्येक कार्य ऑनलाइन। उपमंडल कार्यालय कुल्लू में अब वाहन एवं लाइसेंस से संबंधित प्रत्येक कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन व्यवस्था के तहत व्यवस्थित किए गए हैं। यह जानकारी वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने देते हुए बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत वाहन एवं लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही स्लॉट बुकिंग के तहत होंगे तथा आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। बुकिंग के तहत ही उन्हें अपने 2 दिन व समय पर कार्यालय में आना होगा। इससे उनका समय तथा धन दोनों की बचत होगी तथा अनावश्यक चक्कर भी कार्यालय में नहीं काटने पड़ेंगे। पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री मोहन लाल राज के सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री मोहन लाल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। शनिवार को उनके पैतृक गांव सरोल में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज, चंबा सदर के विधायक पवन नैयर और भरमौर के विधायक जिया लाल, जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष DS ठाकुर और ADC मुकेश रेपसवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने स्वर्गीय मोहन लाल को एक जमीन से जुड़ा जननेता बताते हुए कहा कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में रहते हुए क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास किए। यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस का सड़क से बाहर निकला अगला टायर, ऐसे बची 40 से अधिक यात्रियों की जान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी को जोड़ने वाली भुंतर मणिकर्ण सड़क पर शांगना में शनिवार को एक बड़ा बस हादसा होने से टल गया। 40 से अधिक सवारियों को कुल्लू लेकर आ रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान बस का एक अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया, लेकिन चालक
जैसे तैसे ब्रेक लगाने में कामयाब हो गया। अगर बस में ब्रेक नहीं लगती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। जिस स्थान पर बस अनियंत्रित हुई वहाँ से पार्वती नदी के लिए सीधी खाई थी। बस की सड़क से बाहर निकलने के बाद यहाँ सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लावारिस पहलों के हमले में बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल क्षेत्र के डोयडा जंगल में लावारिस बैलों के हमले से 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग की पहचान 68 वर्षीय गुलामू पुत्र हीरू निवासी कठियार डाकघर कुम्मी के रूप में हुई है। बुजुर्ग अकेले रहता था। पड़ोसी रामकृष्ण सुबह और शाम इन्हें भोजन देता था। शनिवार को या दोपहर को नैरचौक से अपने गाँव की तरफ आ रहा था। रास्ते में लावारिस बैलों ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। अभिभावकों के सहमति पत्र पर स्कूल आ सकेंगे परीक्षार्थी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। हालांकि शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर आना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों सहित मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खुले रहेंगे। कोरोना से बचाव के लिए तय SOP का इन संस्थानों में सख्ती से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कुल्लू में की गई घोषणा के बाद शनिवार को आपदा प्रबंधन सेल ने इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट है कि प्रदेश में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 5 अप्रैल से शिक्षण संस्थानों में आना होगा। सरकार ने इस माह प्रस्तावित स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा और कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के आदेश भी दिए हैं। आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। विद्यार्थियों को कोई भी शैक्षणिक जानकारी लेने के लिए शिक्षण संस्थानों में अभिभावकों के सहमति पत्र पर प्रवेश मिलेगा। प्रदेश में आवासीय सुविधा वाले शिक्षण संस्थानों में हॉस्टल खुले रहेंगे। हिमाचल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बोले शिक्षा निदेशक। हिमाचल में 13 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने हिमाचल में सभी शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। बावजूद इसके 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होंगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यह जानकारी शिक्षा निदेशक अमरजीत सिंह ने दी। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को SOP के साथ आयोजित किया जाएगा। अभिभावकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल प्रवक्ता न्यू के कॉमर्स विषय का भर्ती परिणाम घोषित करने पर रोक। स्कूल प्रवक्ता न्यू के कॉमर्स विषय का भर्ती परिणाम 7 मई तक निकालने पर रोक लग गई है। अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में परीक्षा लिए जाने का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। फरवरी 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 मई को दोबारा सुनवाई निर्धारित की है। आजादी के 73 वर्ष बाद भी सड़क को तरसा गांव। बुजुर्ग महिला को कंधों पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चले लोग। जिला कुल्लू के लगघाटी के दुर्गम क्षेत्र फलान पंचायत के जिंदी गाँव में सड़क सुविधा के अभाव में हजारों लोगों को जीवन यापन करना पड़ रहा है। संगति देवी की हार्ट की बीमारी के चलते अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ उसे उबड़ खाबड़ रास्तों में 3 किलोमीटर कंधों पर उठाकर शालंग गांव तक पहुंचाया, जहां से निजी वाहन में इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद वाहन से बुजुर्ग को शालंग गांव पहुंचाया, जहां से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ग्रामीणों ने उसे गांव पहुंचाया। पूर्व पंचायत प्रधान नंदलाल ने बताया कि उनकी माता संगति देवी को हार्ट की बीमारी के चलते अस्पताल ले जाने के लिए कंधों पर उठाकर 3 किलोमीटर सड़क तक घंटों मशक्कत करनी पड़ी और वापसी में फिर उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन को सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाने चाहिए, जिससे ग्रामीणों को सड़क परिवहन की सुविधा मिल सके। खोखे में सोए व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश, नकाबपोशों का कारनामा। हिमाचल के सिरमौर जिला में एक व्यक्ति को खोखे में आग लगाकर उसे अंदर ही जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, आगजनी के दौरान जब युवक ने खोखे से बाहर निकलने का प्रयास किया तो बाहर खड़े नकाबपोश दो लोगों ने उसे अंदर धकेलना चाहा। घटना हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के शिवपुर पंचायत के कहानूवाला गांव में सामने आई है। इस आगजनी में खोखे के अंदर बंद कुत्ता जिंदा जल गया।
बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है इस बात का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। पुरुवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पोंग बांध क्षेत्र में 7 प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध क्षेत्र में शनिवार को 7 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। इन मृत पक्षियों में 6 बार हेडेड गूज और 1 ग्रे लेग गूज है। TFO वाइल्ड लाइफ राहुल रहाणे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जो भी पक्षी मृत अवस्था में मिल रहे हैं उन्हें सुरक्षित ढंग से निपटा दिया जा रहा है। शनिवार को 700 प्रवासी पक्षियों की मौत के साथ ही यहां अब मृत पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 78 पहुंच गया है।